अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज दोस्तों एक बिल्कुल अलग सा विषय लेके आपके सामने आया हूँ। ये जो आप कोलाज एक पोस्टर देख रहे हैं बड़ा सा, और अभी जो आपने गीत सुना उसमें कुछ सामंजस्य या कुछ समानता है, वही मैं आपको आज बताने के लिए, उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जितनी फिल्में देख रहे हैं, चंदा और बिजली, गैम्बलर, लाल पत्थर, जंगल में मंगल, कन्यादान, ये और भी जो मूवीज हैं, मेरा नाम जोकर बहुत बड़ी अपने टाइम की हिट मूवी थी, शुरू में तो नहीं हुई लेकिन बाद में बहुत हिट हो गई, ये पतंगा और शर्मिली, इन सब फिल्मों में जो गीत लिखे हैं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने, और आज ये सेशन करने का जो मेरा इरादा है वो इसलिए बना कि 4 जनवरी को नीरज जी का जन्मदिन होता है, तो उसी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको नमन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और उनके बारे में जो भी मैंने रोमांचक जानकारी जुटाई है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये अपने नीरज जी हैं, ये बहुत हैंडसम रहे अपने ज़माने में और बहुत अच्छे छात्र थे। ये इनकी जन्मतिथि है 4 जनवरी 1925 की, और इनका जो इंतकाल हुआ था वो 19 जुलाई 2018 को हुआ था। अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े गज़लकार, बहुत बड़े शायर, ये सब खूबियाँ अकेले एक नीरज जी के शरीर में, इनके दिमाग में समाई हुई थी। तो आज उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, आगे और बताऊँगा कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ और क्यों आपके सामने ये सब जानकारी ला रहा हूँ। नीरज जी जो हैं वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रेम को शब्दों में गढ़ा था और दर्द को भी शब्दों में गढ़ा था, और जिंदगी के बारे में जो उन्होंने जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को शब्दों में जो पिरोया है वो बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रेम का कोई गगन होगा और उसमें कोई उन्मुक्त परिंदा अगर उड़ रहा होगा और स्वच्छंद उड़ान भर रहा होगा तो वो शायद नीरज जी के अलावा कोई और हो नहीं सकता। और ऐसे ही मेरा ये भी मानना है कि दर्द का अगर कोई समंदर होगा और उस समंदर में हिलोरें लेती हुई अगर कोई कश्ती होगी तो निश्चित रूप से उस कश्ती पे अगर कोई एक शख्स सवार होगा तो वो नीरज जी होंगे। और मेरा ये भी मानना है कि जब भी धर्म की बात आएगी और भाईचारे की बात आएगी तो अगर किसी अस्पताल में कोई एक धर्म का शख्स दूसरे धर्म को अपना लहू दे रहा होगा, अपना खून दे रहा होगा, अपना रक्त दे रहा होगा, तो उस अस्पताल के डॉक्टर अगर कोई होंगे तो वो नीरज जी होंगे। मैं कभी नीरज जी की कविता से या कुछ चंद लाइनें हैं मैंने कभी टीवी पर सुनी थी, और सबके साथ होता है अमूमन कि कभी ना कभी किसी उम्र में आपकी निगाह पड़ती है, जब कोई शेर आपके सामने आता है तो आप उससे एकदम से प्रभावित हो जाते हैं और वो आपको याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छा लगा, आपका इंटरेस्ट उसमें जागा है। ऐसे ही मैं एक टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था, अन्नू कपूर जी उसका संचालन कर रहे थे, तो अन्नू कपूर जी ने 2 लाइनें कही थी और वो दोनों लाइनें मेरे दिमाग में बैठ गई और आज तक वो मिटी नहीं, और आज भी मैं उन लाइनों को गुनगुनाता हूँ। और वो लाइनें तो 2 ही लाइनें थी, फिर मैं जब उसको सर्च किया, उसके बारे में खोजबीन की तो पता लगा वो नीरज जी की पूरी एक कविता है और वो आपसी भाईचारे पर और गंगा जमनी तहजीब पर लिखी हुई बेमिसाल लाइनें हैं। तो मैं नीरज जी को याद करते हुए वो कुछ चंद लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद अपना ये सफ़र जो नीरज जी के बारे में तमाम सारी जानकारी है ये अपना जारी रहेगा यूं ही। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को कर लें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। वो जो नीरज जी की कविता है वो आपसी भाईचारे पर है और गंगा जमनी तहजीब पर है। वो इस तरह है कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, कोई तो बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए। जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म हर सिमत उगाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए। और तेरे दुख दर्द का मुझ पे हो असर ऐसा, तेरे दुख दर्द का मुझ पे हो असर ऐसा, कि तू जो रहे भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। इतनी सुंदर लाइनें हैं कि आप इनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, गुनगुनाते रहिए। इसी में आगे नीरज जी फिर लिखते हैं कि जिस्म दो हो के भी, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, कि तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। और कत्ल हुआ मोहब्बत का कैसे, कत्ल हुआ मोहब्बत का कैसे, ये समझने के लिए उजालों को अंधेरों में बुलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। फिर नीरज जी लिखते हैं, मेरा मकसद है कि ये महफिल रहे रोशन यूं ही, मेरा मकसद है कि ये महफिल रहे रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए। गीत गुमसुम है गजल भी चुप, गीत गुमसुम है गजल भी चुप, रुबाई भी दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। कमाल की लाइनें लिखी हैं, मेरे तो बिल्कुल दिलो दिमाग पर छा गई ऐसी भाईचारे पर। इतनी अच्छी लाइनें मैंने तो अभी तक देखी नहीं, बट जो भी है मुझे तो खैर ये बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए, तो एक तो नीरज जी की बहुत ही प्रिय मेरी कविता है, मैंने आपको सुनाई, मैं इसको आगे पढ़ता हूँ नीरज जी के जीवनी पर। नीरज जी का जन्म जो है 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। और नीरज जी शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत ही मेधावी छात्र थे। परिवार का जो आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं, कक्षा 12वीं के बाद से ही वो छोटी मोटी अपनी कोई नौकरी करने लगे। जब नीरज जी 28 साल के हुए तो 1953 में उन्होंने प्रथम श्रेणी से हिंदी में एमए किया। पढ़ने में बहुत अच्छे थे और लगातार ही ये अच्छाई उनकी जो है आगे चलती रही, और साहित्य और गीतकारी में और गीत लिखने में, शायरी लिखने में, गज़ल लिखने में उनकी जो रुचि है धीरे धीरे यहीं से बढ़ती चली गई। बाद में मेरठ कॉलेज में नीरज जी ने प्रवक्ता के पद पर ज्वाइन किया, और चूंकि उनका जो प्रेम से रिश्ता है वो चल रहा था, पनप रहा था, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो रोमांस करते हैं और उनकी जो तबीयत है बड़ी रूमानी है, ये कहकर ये आरोप लगाकर उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर नीरज जी ने अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में फिर अध्यापक का पद जो है ग्रहण कर लिया। और इसके बाद फिर जो है, चूंकि उनकी कविता में और गीत में और शायरी में अच्छी खासी रुचि थी और साहित्य में भी उनका काफ़ी लगाव था साहित्य से, इसके बाद वो मुंबई चले गए। और चूंकि इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, ये कवि सम्मेलनों में जाते थे तो वहाँ पे बिल्कुल छा जाते थे, और लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इनके पीछे इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए। नीरज जी हैंडसम बहुत थे और शुरू से ही उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि लोग जो है उनकी तरफ, उनके व्यक्तित्व की तरफ जो है वो खींचे चले आते थे। तो यही जो उनकी लोकप्रियता की जो चर्चा है, वो जब मुंबई पहुंची तो मुंबई के लोगों ने उन्हें गीत लिखने के लिए वहां बुलाया, और नीरज जी ने करीब 20-25 फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। काफ़ी फिल्मों के लिए लिखे हैं, लेकिन ये 20-25 फिल्मों का ही रिकॉर्ड है। और उसके बाद इन्होंने मुंबई की जो फिल्म नगरी है उसमें बिल्कुल छा गए। और इन्होंने अपना एक काम और किया कि उस समय जो गीत लिखे जाते थे और जो शायरी होती थी फिल्मों में, उसमें काफ़ी उर्दू का प्रचलन था। तो नीरज जी स्वयं भी उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे, मगर इन्होंने हिंदी को भी वहाँ पे उसके पैरेलल खड़ा किया और अपने गीतों में हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। कोई भी आप इनका गीत देखेंगे उसमें हिंदी के शब्द बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रयोग किए गए हैं, बिल्कुल सूट करते हैं उस जिस लोकेशन के लिए, जिस भी सिचुएशन के लिए वो गीत लिखा है। नीरज जी के जो हिंदी के शब्द हैं,
जो बिल्कुल प्योर हिंदी के शब्द हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें फिट बैठते हैं और आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके गीत आज भी चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हालांकि वो गीतों की संख्या बहुत कम है लेकिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर वो गीत छाए हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन कौन से गीत और क्या क्या उनकी शब्दावली थी। जैसे एक गीत उन्होंने लिखा है फिल्म प्रेम पुजारी के लिए, मतलब सोचिए जरा कवि की कल्पना या शायर का जो दिमाग है कहाँ तक जा सकता है। उन्होंने लिखा है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब और उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। आप सोचिए कि क्या कहाँ तक की सोच जो है शायरों की होती है। और फिर इन्होंने उसी गीत में, हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो इश्क शोला है, छू लो तो बस शबनम है, गांव में मेले में राह में अकेले में, आता जो याद बार बार है वो प्यार है। ये तो रहा एक बड़ा सुपरहिट गीत नीरज जी का, जो फिल्म प्रेम पुजारी 1970 में आई थी। इसके जो गायक थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, SD बर्मन इसके संगीतकार थे और कलाकार थे देवानंद और वहीदा रहमान। ऐसे ही और भी मैंने ये स्लाइड्स बना रखी है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको रोक के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शब्दों को जो है, भावनाओं को जो है वो शब्दों में पिरोया है और आपके हमारे दिलों में उतारा है। एक गीत है उनका, रंगीला रे तेरे रंग में क्यों रंगा है मेरा मन छलिया रे, ये भी प्रेम पुजारी का गाना है। फिर जिस गीत से नीरज जी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता उनकी जो है एकदम से आसमान पर पहुंच गई थी, वो फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, 1965 में आई थी। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और इसके संगीतकार थे वो रोशन थे। जो वो गीत था वो ये था कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो गीत और बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत ही उसका बड़ा सार गर्भित उसके शब्द थे और बहुत ही अच्छी शैली में वो गीत लिखा गया था। ये कुछ नीरज जी के लिखे हुए गीत हैं और जिन फिल्मों के गीत हैं, फिल्मों की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है। ये नीरज जी बैठे हुए हैं, ये उस समय के अमरीश पुरी जी हैं, उस समय नए नए थे ये, और ये सुनील दत्त जी बैठे हुए हैं और मुशायरे का मज़ा लिया जा रहा है। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी गज़लें नीरज जी ने ऐसी लिखी हैं जो बिल्कुल आपके दिल में उतर जाएं और दिमाग पे छा जाएं। उनमें से कुछ मैं संकलित करके लाया हूं आपके लिए। जैसे नीरज जी ने गज़ल लिखी, दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, तुम्हारे घर का सफ़र इस कदर सख्त न था, इतने मसरूफ थे हम जाने की तैयारी में, खड़े थे तुम और तुम्हें देखने का वक्त न था। सोचिए क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो गया, मगर प्यार को खोजने जो गया, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। ऐसे थे नीरज जी कि प्रेम के बारे में इस तरह की शब्दों को गढ़ देते थे कि सीधे सीधे आपके दिल पर चोट करें। और आइए और देखते हैं, ये कुछ नीरज जी की प्रमुख कविता संग्रह हैं। संघर्ष 1944 में लिखा गया, अंतरध्वनि 1946 में, विभावरी प्राण गीत, दर्द दिया है बादर बरस गयो, मुक्तकी दो गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी। इस तरह नीरज जी ने बहुत सारी साहित्य की और कविताओं की जो है रचना की, उनकी किताबों का एक लिस्ट है। ये मुख्य मुख्य हैं, इसके अलावा भी लिखी गई हैं। और नीरज जी की इस प्रतिभा को और इस जो विलक्षण उनकी जो प्रतिभा थी, इसको सम्मानित भी किया गया और नीरज जी को जो है वो विश्व उर्दू परिषद का पुरस्कार भी मिला और नीरज जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1991 में। यश भारती पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार देती है, देती थी इनफैक्ट, क्योंकि वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो मुलायम सिंह जी का ये शुरू किया गया, ये यश भारती पुरस्कार था, जिसमें वो प्रदेश के जो यशस्वी लोग हैं, जो जिस भी किसी भी कला में जो माहिर हैं, अपना उनका योगदान रहता है, उनको ये पुरस्कृत करते हैं। तो नीरज जी को यश भारती पुरस्कार भी 1994 में मिल चुका है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा दिया जाता है। फिर नीरज जी को और भी बड़ा सम्मान मिला केंद्र सरकार के द्वारा, वो था पद्म भूषण सम्मान, जो 2007 में भारत सरकार ने उनको
दिया था और एक बहुत अच्छा नायाब रिकॉर्ड नीरज जी के नाम है, क्योंकि नीरज जी बहुत ही कम दिनों तक, मेरे ख्याल से 5-7 साल तक जो है फिल्म इंडस्ट्री में रहे मुंबई में, और बहुत ही कम गीत लिखे। फिर किसी बात पे देवानंद जो एक्टर हैं प्रख्यात बहुत लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, उनसे किसी बात पे खटपट हो गई थी, तो फिर वो मुंबई नगरी छोड़कर चले आए और वापस अलीगढ़ में अपना उन्होंने ठिकाना बनाया। तो नीरज जी के नाम जो एक बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि 1970, 1971 और 1972 ये तीनों वर्ष लगातार जो फिल्म फेयर पुरस्कार है गीत लिखने का एज ए सॉन्ग राइटर, वो तीनों साल ये पुरस्कार उनको मिला है। ये मेरे ख्याल से किसी और गीतकार को इस तरह का पुरस्कार अभी तक मिला नहीं है कि लगातार 3 साल तक मिलता रहा हो। नीरज जी चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में थे तो उनकी कुछ तस्वीरें मैंने जुटाई हैं। ये मीना कुमारी जी के साथ हैं, ये नीरज जी की पत्नी हैं मनोरमा शर्मा जी, ये स्वयं नीरज जी हैं। ये फिर लता मंगेशकर जी के साथ हैं नीरज जी, नीरज जी देवानंद जी के साथ हैं। देवानंद की तो कई फिल्मों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। नीरज जी ने चूंकि वो एक जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो उनको इस बात के लिए उस कॉलेज को छोड़ना पड़ा था कि उनको उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि बहुत रोमानी किस्म के वो व्यक्ति हैं, तो नीरज जी इस बात को एक्सेप्ट करते थे और उनकी काफ़ी महिला मित्र भी थी और महिलाओं में काफ़ी उनकी लोकप्रियता थी, और चूंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था और इतना अच्छा वो प्रेम के बारे में लिखते थे और प्रेम के बारे में ऐसे उनके विचार जो है मंचों पे मुशायरों में आते थे कि मतलब लोगों का उनकी तरफ आकर्षित होना कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। तो नीरज जी ने अपने लिए स्वयं अपने लिए लिखा है कि इतना बदनाम हुए हैं हम इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हैं हम इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। इतने बदनाम हुए हैं हम इस जमाने में, आपको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। ये नीरज जी ने स्वयं अपने लिए लिखा है। और नीरज जी जो हैं वो इसके भी बड़ा शौकीन थे, क्योंकि शराब राब के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है, बड़ा बढ़िया उनका ऑब्जर्वेशन है। तो इसी में जब वो आगे कहते हैं, न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, कैसे कैसे लोग चले आए हैं मैं खाने में, ये नीरज जी का लिखा है। ऐसे इसको देखते देखते मुझे उनकी लिखी हुई एक और कविता या शेर जो भी कह लें आप, वो मुझे याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ। कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, कभी यहाँ उजालों ने खुदकुशी की है। और ना कभी बहका हूँ ना लड़खड़ाया हूँ, फिर ऐसा कि तूने मुझे पिलाने में क्यों कमी की है। तो नीरज जी का तो अंदाज ही बिल्कुल निराला था। नीरज जी ये भी लिखते हैं, जैसे वो अपने प्रसिद्ध कवि हैं दुष्यंत जी, अब तो वो भी दुनिया में नहीं है, बहुत यंग एज में चले गए थे, उन्होंने लिखा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो वैसा उसी ही तर्ज पर कई 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 बार ऐसा होता है कि जो शायर लोग हैं या गीतकार लोग हैं, वो जो कवि लोग हैं, वो एक ही सब्जेक्ट पे एक ही विषय पर अपने अपने विचार रखते हैं। तो जैसे वो दुष्यंत जी ने लिखा था तो उसी की तर्ज पर नीरज जी ने भी लिखा हुआ है। है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। ये नीरज जी ने लिखा है बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे दुष्यंत जी ने लिखा है। फिर मेरे एक और फेवरेट शायर हैं राहत इंदौरी जी, उन्होंने एक शेर लिखा था, बादलों के दरमियाँ ऐसी कोई साजिश हुई, बादलों के दरमियाँ ऐसी कोई साजिश हुई, मेरा घर ही मिट्टी का था और मेरे घर पे ही बारिश हुई। तो उसी की तर्ज पर नीरज जी ने भी लिखा है, अब के सावन में शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। आप मत पूछिए
क्या हम पे सफर में गुजरी। आप मत पूछिए कि क्या हम पे सफर में गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहीं पे रात हुई। मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, एक कातिल से तभी मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे थे नीरज जी, मतलब बहुत सारे विषयों पर बहुत सारा उन्होंने साहित्य भी लिखा है, शायरी भी की है, गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो मुझे लगा कि आज नीरज जी का जन्मदिन है, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा 4 तारीख हो चुकी होगी, तो मुझे लगा कि ऐसे शायर को नमन करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरी स्वयं की मुलाकात नीरज जी से हो चुकी है। ये रहा मैं और ये रहे नीरज जी, ये 2015 की तस्वीर है, ये मेरे एक दोस्त हैं। और नीरज जी ने स्वयं अपने हाथों से मुझे अपना ये कविता संग्रह, ये किताब मुझे दी थी, जो मेरे लिए उनकी दी हुई अनमोल धरोहर है। तो इसलिए चूंकि नीरज जी से मेरा भी रिश्ता रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके जन्मदिन पर उनको प्रणाम किया जाए, नमन किया जाए, उनको याद किया जाए और उनके जीवन की अच्छी अच्छी बातें या जो भी उन्होंने काम किए हैं उन कामों से आपका परिचय कराया जाए। मुझे लगता है छोटी सी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और यूं ही अपना हौसला, यूं ही अपना समर्थन बनाए रखिए मेरे लिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी दीजिए। नमस्कार।